ओके, P1 मटेरियल है तो वो कार्बन स्टील का मटेरियल है, अलॉय जो है वो यहाँ पे अलग अलग मटेरियल दिखाया है, देख रहे हैं P3, P4, P4, P5A, P5B, P5B, P15E, PSS मटेरियल है, उसमें भी देखो क्रोम का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, क्रोम का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब आपका कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है, आप जितने ज़्यादा क्रोम का मटेरियल लेंगे उतना आपका मटेरियल का वैलिडिटी बढ़ेगा, उतना मटेरियल आपको कोरोजन रेजिस्ट करेगा, इतना मटेरियल आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। देखो इसको याद रखने का तरीका एक है, मैं आपको जस्ट बोल रहा हूँ, कुछ मटेरियल इंटरव्यू देने के टाइम पे कुछ मटेरियल आपको पूछे जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ याद रखना पड़ेगा। ASTM है तो 105 ग्रेड ABC वो एक मटेरियल का ग्रेड है, वो मटेरियल का ग्रेड कहाँ पे दिया है, ASME में, ASME जो ये जो है ASME सेक्शन में 2A निकाला है, ठीक है, ASME सेक्शन 2A उसमें अलग अलग मटेरियल का एकदम पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, पूरा PhD हर मटेरियल का PhD दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि सभी मटेरियल के लिए कहाँ ढूंढेंगे, ये सब ऐसा नहीं है, आपको सब जगह से ASME से सब चीज़ मिल जाएगा। ओके, अभी P3 मटेरियल है उसमें कार्बन रहता है प्लस 0.5 मोली रहता है, P2 मटेरियल है ग्रेड P2 उसमें 0.5 क्रोम और 0.5 मोली रहता है, P4 मटेरियल मतलब P11 जाता है उसमें ये 0.5 है वो डबल हो जाता है क्रोम, ठीक है, उसके बाद P22 में जाएंगे तो और डबल हो जाएगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे P5A लिखा है P22 तो यहाँ पे P11 P12 जो था उसका डबल हो गया क्रोम और मोली भी डबल हो गया, देख रहे हैं, उसके बाद ये P5 में आप एंटर करते हैं तो वो क्रोम डबल हो जाएगा और मोली हाफ हो जाएगा, और उसके बाद P5 के बाद अगेन P9 में मटेरियल में आप ऐड हो जाएंगे तो 9 क्रोम हो जाएगा और P91 में 9 क्रोम हो जाएगा और स्टेनलेस स्टील में जैसे ही आप घुसेंगे वो क्रोम डबल हो जाएगा और निकल आपका 8 निकल हो जाएगा, तो 18 क्रोम 8 निकल। उसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे 316 304 ग्रेड का था, 316 में घुसेंगे तो 16 क्रोम 10 निकल 2 मोली हो जाएगा, उसके बाद जैसे ही आप आगे आ जाते जाएंगे वैसे क्रोम बढ़ता जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं 4 नंबर का P10H डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील तो उसमें 22 क्रोम है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका क्रोम बढ़ता जाएगा वैसे आपका मटेरियल का ड्यूरेबिलिटी लाइफ साइकिल बढ़ता जाएगा। ओके, जरूरी नहीं है खाली हम लोग वहाँ पे ऐसे यूज कर, जहाँ पे हमको कोरोजन को रेजिस्ट करना है वहाँ पे हमको क्रोम ज़्यादा है वैसा मटेरियल यूज करना चाहिए, जहाँ पे क्रीप रेजिस्टेंस का हमें यूज करना है, क्रीप रेजिस्टेंस क्या है, एक लकड़ी लीजिए, एक लकड़ी को धीरे धीरे बैंड करिए, एक सिंगल लकड़ी है उसको धीरे धीरे आप बैंड करते जाएंगे वो लकड़ी में से कुछ आवाज आना टूटना स्टार्ट होगा, टूटेंगे तब आवाज आएगा। रिजवान सर प्लीज आप म्यूट कर दीजिए, मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज म्यूट करेंगे तब जाके हम बराबर ले सकते हैं, अभी हमें और 1 आवर्स निकालना है और विथ कोड के साथ, अभी मैं ज्यादातर कोड में का डिस्कशन करेगा, सर प्लीज सब लोग म्यूट कर दीजिए, रिजवान सर प्लीज। ओके, तो जनरली क्या होता है, एक लकड़ी है, लकड़ी को हम बैंड करते जाएंगे एक टाइम ऐसा आएगा थोड़ा टूटने का आवाज आएगा, तो वो जो टूटने का आवाज हुआ उसको बोलते हैं यील्ड, वहां पे मटेरियल टूटना स्टार्ट हुआ, टूटा नहीं लेकिन टूटना स्टार्ट हुआ, क्रिप वहां से हुआ, फिर और थोड़ा दबाते जाएंगे और बैंड करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अभी टूटने की कगार पे आ जाएगा, अभी टूटेगा नहीं, अभी थोड़ा और जोर लगाएंगे तो टूट ही जाएगा, ठीक है, तो वो भी एक यील्ड एंड क्रीप इलास्टिसिटी है उसका, प्लास्टिसिटी है उसका, उसके बाद थोड़ा और हम फोर्स मारेंगे तो लकड़ी टूट जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पाइप वैसी कंडीशन में से आपका पास होता है, पाइप के अंदर हैमरिंग इफेक्ट होता है, पाइप के अंदर क्रिप का फोर्स लगता है, तो वैसी कंडीशन में आपको मोली ज़्यादा डालना पड़ेगा, वैसा मटेरियल आपको यूज़ करना पड़ेगा। निकल यहाँ पे लिखा है, देख रहे हैं, निकल लो टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, आपका फ्लेयर लाइन है, आप जो लोग अजीरा से निकलते हैं, जो लोग अजीरा के रोड से निकलते हैं उसमें आपने देखा होगा रिलायंस का एक इंडस्ट्री है, उसके नाइट में या फिर गुजरात गैस है, वो नाइट में ऊपर चिमनी में एकदम से वो फायर होता रहता है, देख रहे हैं आप, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, तो वो चिमनी से बाहर जैसे ही निकलता तो फायर होता है, उसका रीज़न क्या है, तो क्यों भाई वो अंदर फायर क्यों नहीं हुआ, वो जो मेटल के अंदर था तब फायर नहीं हुआ, जैसे ही बाहर निकला वो गैस तो तुरंत फायर हुआ, ऐसा क्यों, तो वहाँ पे निकल है वो सब लोगों को कंट्रोल करता है, जितने भी गैसेस है वहाँ पे निकल ज़्यादा है वैसे मटेरियल को यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं फ्लेयर लाइन,
गल्फ कंट्री में फ्लेयर लाइन बोलते हैं और हमारे यहाँ पे जनरली कॉलम बोलते हैं, लेकिन आप इतना याद रखिए कि फ्लेयर लाइन होता है उसमें निकल ज़्यादा होता है, चिमनी होता है वो मटेरियल जहाँ पे यूज होता है वैसे मटेरियल में निकल ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से गैस पास होता है, गैस को हमको ठंडा रखना है, अगर ठंडा गैस को नहीं रखेंगे तो मेल्टिंग टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा और अंदर ही अंदर ही वो फायर होने लगेगा और मेटल में भी ब्लास्ट भी हो सकता है। उसी की वजह से वहाँ पे हम निकल ज़्यादा है वैसा मटेरियल यूज़ करते हैं। ओके, निकल काम क्या करेगा? बिल्कुल मेटल जो है उसके अंदर निकल ज्यादा होने की वजह से वो मेटल का टेम्परेचर है वो थोड़ा लो साइड रखेगा, इम्पैक्ट प्रॉपर्टी को वो कंट्रोल रखेगा। इम्पैक्ट प्रॉपर्टी क्या है वो मैं बोल देता हूँ। टाइटेनिक टूटा, उसका रीजन क्या है? ऐसे ही नहीं टूट गया, उसके पास तो स्ट्रेंथ भी था, उसका जो बेस मेटल था वो एकदम शानदार तरीके से एकदम 5 स्टार यूज किया था, उसमें कोई कोस्ट का कंट्रोल चिंगूसी नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी टाइटेनिक टूट गया। क्योंकि कोई भी मटेरियल का बिहेवियर लो टेम्परेचर में डिफरेंट होता है, समझ रहे हैं ना बात? एक अगेन एग्जांपल देता हूं, एक प्लेट है, एक प्लेट को आप छोटा सा 1 फीट बाय 1 फीट का एक प्लेट लीजिए, उसमें आप हैमर मारिए जोर जोर से, आपके आपके ऊपर जितना फोर्स लगता है उतना, आप 10 mm प्लेट का थिकनेस का एक प्लेट लीजिए उसमें हैमर मारिए, वो प्लेट टूटेगा नहीं। लेकिन वो प्लेट को आप 100 डिग्री में डाल दीजिए, -100 डिग्री फ्रीजर में डाल दीजिए, फ्रीजर में जैसे ही -100 डिग्री आएगा वो प्लेट को आपको फोर्स भी मारना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो क्रैक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो टूट जाएगा। रीजन क्या? हमको तो यार कोई फोर्स नहीं मारना पड़ा, ऑटोमेटिकली क्यों टूट गया? क्योंकि वो इम्पैक्ट प्रॉपर्टी है। इम्पैक्ट प्रॉपर्टी में जनरली क्या होता है कि हमारा जो मेटल है उसका जो पार्टिकल साइज है वो लो टेम्परेचर में एक दूसरे का बॉन्ड तोड़ता है। मटेरियल साइंस मेटलर्जी का ये सब्जेक्ट है, ठीक है? उसमें क्या होगा, आपका बॉन्ड पार्टिकल टूटेगा, बॉन्डिंग टूटने की वजह से वो पार्टिकल अकेला हो जाएगा, वो दो पार्टिकल के बीच में गैप करेगा, ऐसे बहुत सारे लाखों करोड़ों पार्टिकल रहेंगे एक मेटल के अंदर, वो सभी लोग टूट जाएंगे तो एक दूसरे के बीच में गैप हो जाएगा और इजीली वहां पे क्रैक जनरेट होगा। टाइटेनिक में यही हुआ, टेम्परेचर लो गया और ऑटोमेटिकली टूट गया। तो कहने का मतलब यह है कि जहां पे लो टेम्परेचर एलिमेंट है वहां पे आपको निकल यूज करना चाहिए, कॉपर, निकल ज्यादा है वैसा मटेरियल यूज करना चाहिए, ठीक है? कॉपर वेदर प्रोटेक्टिंग सिस्टम, वेदर प्रोटेक्ट करता है, मतलब आप देखा होगा ER70S2, वो थोड़ा कॉपर जैसा आपको लगता है, आप हाथ में लेंगे ना एकदम सिंपल सा रहता है, उसको आप हाथ में घुमाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये इतना स्मूथ क्यों है, तो स्मूथनेस तो है ही उसके पास, लेकिन उसके ऊपर कॉपर का एक छोटा सा लेयर लगाया रहता है। आप GMAW का फिलर लेते हैं, आप स्पूल लेते हैं तो उसमें क्या रहता है, जनरली क्या होगा उसके ऊपर है वो कॉपर का लेयर लगाया रहेगा। क्यों ये सब चीज़ कॉपर डालने का क्या क्या वहाँ पे जरूरत है? तो कॉपर डालने का ये जरूरत है कि आप मेटल देखो हैंडलिंग करने में, यहाँ पे तो इंडिया में तो आपको पता है हैंडलिंग अपने हिसाब से होता है, अपने मन के हिसाब से होता है, स्टोरेज जैसा करना चाहिए स्टोरेज जैसे 15 डिग्री या 35 डिग्री के बीच में करना चाहिए, वहाँ पे वो डिग्री मेंटेन होता ही नहीं है, एटमोस्फियरिंग में ऐसे ही हवा में खुला रख देंगे, दिन के 12 बजे भी सन इतना धूप से टेम्परेचर उगलता रहेगा वैसे ही टेम्परेचर में आप जमीन पे उसको रख देंगे, तो उसकी वजह से बाहर का एटमोस्फियर है वो इलेक्ट्रोड या फिलर के ऊपर इफेक्ट करेगा, वो बाहर का फेरस है, बाहर का ऑक्सीजन है वो मेटल के साथ कोलोब्रेशन करके वहाँ पे पपड़ी बनाएगा, वहाँ पे आयरन ऑक्साइड जनरेट करेगा, वहाँ पे फेरस ऑक्साइड जनरेट करेगा, वहाँ पे रस्टिंग होगा। उसी की वजह से अगर कॉपर का अगर लेयर आप लगा देते हैं छोटा सा, तब क्या होगा, वेदर प्रोटेक्ट होगा, वहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड रस्ट नहीं होगा। मेरा कहने का यहाँ पे मतलब यही है। तो कॉपर का भी अपना अलग काम है। सल्फर एंड फॉस्फरस रेसिड्यूल एलिमेंट है, वो जितना हमारे मेटल में कम है उतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है? कभी कभी क्या होता है, कुछ कंपनियां ऐसी बोलती है कि हमको सल्फर 0.035% से ज्यादा गया तो हम मेटल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। PMI हम करते हैं तो उसमें देखते हैं सल्फर ज्यादा नहीं है ना, सल्फर देखो वेल्डिंग में क्रैक लाता है, बेस मेटल को पुअर करता है, वेल्डेबिलिटी उसका इंक्रीज करता है, तो सल्फर एंड फॉस्फरस जितना कम है उतना हमारे मेटल के लिए अच्छा है। टिटेनियम एंड नियोबियम का जरूरत क्या है? तो
कभी कभी क्या होता है, स्टेनलेस स्टील का आपने नाम सुना है कि भाई स्टेनलेस स्टील में सेंसिटाइजेशन का नाम सुना है कि सेंसिटाइजेशन होता है। सेंसिटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, स्टेनलेस स्टील में मेटल जो रहता है उसमें क्रोम ज़्यादा रहता है। आपने देखा, अभी मैं दिखाया, देखिए जस्ट कि भाई स्टेनलेस स्टील में जैसे ही आप एंटर होते हैं, यहाँ पे P8 में, 3 नंबर का P8 में जैसे ही आप स्टेनलेस स्टील में एंटर होते हैं तो 18 क्रोम हो जाते हैं। तो क्रोम यहाँ पे बढ़ गया, क्रोम बढ़ गया तो क्या होगा, क्रोम की लास्ट कक्षा जो है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहेंगे। या तो क्रोम क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, या 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, तो क्रोम स्थायी हो जाएगा। लेकिन उसके लास्ट कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन उसको एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो किसी के साथ झगड़ा करेगा ही करेगा। तो किसके साथ झगड़ा करेगा, कार्बन के साथ झगड़ा करेगा। कार्बन उसको क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्रोमियम कार्बाइड बनाएगा। क्रोमियम कार्बाइड बना, हमारे मेटल में क्रोम ज़्यादा था लेकिन वहाँ पे क्रोमियम कार्बाइड बन के एक पपड़ी होके वहाँ से निकल जाएगा। तो मेटल से थोड़ा पपड़ी निकला तो वहाँ पे थोड़ा खड्डा होगा, पिटिंग होगा, वेल्ड डीके होगा। तो उसी की वजह से टिटेनियम एंड नियोबियम हम डाल देते हैं तो क्या करेगा, हमारा क्रोम है उसको कार्बन जो है उस वो जनरली क्रोम को इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन नियोबियम एंड टिटेनियम उससे पहले आ जाएंगे लाइन में कि भाई चलो हमारा इलेक्ट्रॉन ले लो, तुम कार्बन से मत लो। कार्बन से लेगे तो पपड़ी बना के निकल जाएगा, लेकिन टिटेनियम एंड नियोबियम स्टेबिलाइज का काम करते हैं। तो स्टेबिलाइज हो जाएगा मतलब हमारा अभी क्रोम कोई भी मेटल में से निकलेगा नहीं। अगर कार्बन के साथ बनता था तो पपड़ी बना के निकल जाता, लेकिन टिटेनियम एंड नियोबियम की वजह से वो लोग इलेक्ट्रॉन उसको क्रोम को जल्दी दे देंगे, तो उसी की वजह से क्रोम हमारे मेटल में रहेगा। क्रोम हमारे मेटल में रहेगा तो हमारा मेटल कोरोजन नहीं होगा। और हमारा मेटल कोरोजन कब होता है, जब हमारे मेटल में क्रोम ज़्यादा रहता है तब क्या होगा, 400 से 800 डिग्री के बीच में हमारा क्रोम जनरली वेल डीके जनरेट करता है और उस टाइम पे होता है। ओके, हम लोग पहुंचे थे इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन में। इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन में मैं दिखाया यहाँ पे D1, D2, D3, D4, D5 ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे A1, A2, A3 ये सब चीज लास्ट जो है वो केमिकल कंपोजिशन ऑफ वेल्ड मेटल दिखाता है, ठीक है। उसके बाद E जो है वो इलेक्ट्रोड है, 80,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच उसका स्ट्रेंथ है। 1 जो है वो पोजिशन है और 8 है, 8 की जगह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो सकता है। यहाँ पे 8 की जगह 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 अलग अलग यहाँ पे हो सकता है। तो 0, 1 है तो सेल्यूलोज है, 2, 3, 4 है तो यहाँ पे रूटाइल है इलेक्ट्रोड, और हमारा 5, 6 और 8 है तो वो सब चीज़ का हमको बेसिक इलेक्ट्रोड है। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोड ऑफ अलॉय एलिमेंट, कार्बन। कार्बन हमारे मेटल में ज़्यादा है, हमारी बॉडी में अगर शुगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हमको शुगर की बीमारी होगा। वैसे ही एक कार्बन है, कार्बन जैसे ही बढ़ जाएगा तो हमारा हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगा। हार्डनेस इंक्रीज होगा तो हमारा क्रैक होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखो हार्डनेस का सब चीज़ कहाँ लिखा है, ए सेमी सेक्शन 2A में, ए सेमी सेक्शन 2B में, ठीक है। हार्डनेस कितना होना चाहिए कोई भी मेटल का वो सब चीज़ लिखा है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे जस्ट दिखाता हूँ, ए में 5.16 ग्रेड 70 का मटेरियल है, ठीक है। देखो ए सेक्शन 2A ऐसे 5.16 डिफरेंट मटेरियल का, यहाँ पे ग्रेड 55 है तो ये है, ग्रेड 60 है, 65, 70 है, तो ये सब चीज़ है, ठीक है। तो उसमें हार्डनेस कितना रहना चाहिए वो भी यहाँ पे दिया होगा, देख रहे। यहाँ पे टेंसाइल कितना होना चाहिए, देखिए टेंसाइल अगर हमारा 70 का ग्रेड का है तो टेंसाइल 70,000 से 90,000 PSI KSI के बीच में, या फिर 1000 है तो PSI के बीच में उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो सब का चीज अलग अलग। देखो हमें अभी PhD करने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, हमको जस्ट कोड रिफर आना चाहिए कि हमको कहाँ से देखना है वही हमको पता होना चाहिए। यील्ड कहाँ कितना है 5.16 ग्रेड 70 में तो हमको पता चल जाना चाहिए कि हमारा यील्ड 38 होना चाहिए। यील्ड का मतलब मैं समझाया एक लकड़ी का एग्जाम्पल लेके, लकड़ी को तोड़ते जाओ एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो टूटना स्टार्ट होगा तो उसको यील्ड बोलते हैं। तो वहाँ तक वो जो कितना हमको फोर्स लगाना पड़ा उसका, वहाँ तक का स्ट्रेंथ कितना हुआ कि यील्ड तक पहुंचने का स्ट्रेंथ, तो उसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। एलोंगेशन मतलब वो कितना लंबा होता है या उसमें डक्टिलिटी कितना है, तो डक्टिलिटी की वजह से कितना लंबा होता है वो सब चीज के बारे में, ठीक है। सभी का केमिकल कंपोजिशन भी दिया है तो हमको ज्यादा उसमें देखने का जरूरत नहीं है। ये सब चीज का तीन चार पेज का सभी का दिया है, ठीक है। 5.16 ग्रेड 70 उसमें केमिकल कंपोजिशन कितना रहेगा वो भी यहाँ पे दिया गया है। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं।
कार्बन, कार्बन हमारा हार्डनेस इंक्रीज करेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारा अच्छा बनाएगा, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ के पीछे हम भागेंगे तो हार्डनेस हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए कार्बन जितना कम है उतना अच्छा है। देखो मैं यहाँ पे जितना बोलता हूँ ये चीज़ कम होगा उतना अच्छा है, तो इसका मतलब ये होगा कि मशीनेबिलिटी उसका अच्छा होगा। देखो कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फरस है, वो हमारी मेटल में जितना कम रहेगा उतना अच्छा है, लेकिन वो लोग जिसमें ज़्यादा है उसका मशीनेबिलिटी उसका ज़्यादा रहेगा। ओके, निकल है, निकल इंक्रीज द टफनेस एंड रेजिस्टेंस ऑफ इम्पैक्ट, इम्पैक्ट प्रॉपर्टी को वो प्रॉपर तरीके से रेजिस्ट करेगा। इम्पैक्ट प्रॉपर्टी मतलब कि लो टेम्परेचर पे कोई भी अंदर मेटल का फ्लूड है वो जाएगा, फ्लो होगा, तो उसको वो कंट्रोल करेगा। निकल का काम यही है। ओके, निकल के बाद ओके इसमें आगे बढ़ते हैं, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ एंड लो टेम्परेचर इंक्रीजेज, कोरोजन रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, इंक्रीज द हार्डनेस स्ट्रेंथ विदाउट स्पेसिफाइड डक्टिलिटी। सिलिकॉन, सिलिकॉन जितना कम है हमारे लिए उतना अच्छा है। मैंगनीज है वो सबसे ज़्यादा रहना चाहिए, जितना ज़्यादा उतना हमारे लिए इम्प्रूव द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस हमारा बढ़ाएगा, वेल्डेबिलिटी उसका सबसे इम्प्रूव करेगा। जो लोग सिस्विप 3.1 का एग्जाम दे रहे हैं उसको ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, मैंगनीज का, मैंगनीज, सल्फर, सिलिकॉन, वो सब चीज़ का। तो मैंगनीज जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा, आपका हार्डनेस इंप्रूव होगा। देखो हार्डनेस क्या है, लोग ऐसा माइंड में सोचते हैं हार्डनेस क्या है, तो आप ऐसा समझ लो आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, वो ग्लास को आप ऊपर से नीचे डालेंगे तो कितना एकदम सडनली अच्छे से क्रैक होगा, बहुत सारा उसके डिवाइड हो जाएंगे, तो वो हो गया उसका हार्डनेस, वो हाई हार्डनेस है, ऐसा आप समझ लो, ठीक है। वही चीज अगर स्टील का ग्लास है, वो स्टील का ग्लास आप ऊपर से डालेंगे तो वो टूटेगा नहीं, तो उसका हार्डनेस कम है, उसमें डक्टिलिटी अच्छा है, उसमें स्ट्रेंथ अच्छा है, ठीक है, एकदम सिंपल। अब हम गटर का ढक्कन समझते हैं, हम रोड के ऊपर देख रहे हैं, आप जब बाइक लेके जाते हैं या हमारा फोर व्हीलर लेके जाते हैं तो बीच में वो रोड में ढक्कन आता है, पता है ना, वो ढक्कन एकदम हार्ड रहता है, क्यों, क्योंकि वो टूटेगा नहीं, लेकिन टूटेगा तो एकदम इजी वे से अच्छे से टूट जाएगा, इसके दो पार्ट हो जाएंगे, तीन पार्ट हो जाएंगे, वैसा टूटेगा वो, ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा बैंड होगा, फिर थोड़ा बैंड होगा, फिर थोड़ा बैंड होगा, फिर कुछ उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स आएगा फिर टूटेगा, ऐसा नहीं होगा। हार्डनेस मतलब गिरा मतलब तुरंत टूटेगा वो, वैसा चीज, ठीक है। ओके, काउंटरैक्ट ब्रिटलनेस फ्रॉम सल्फर एंड लोअर डक्टिलिटी ऑफ वेल्डेबिलिटी, वेल्डेबिलिटी इंप्रूव करता है। ओके, क्रोमियम, क्रोमियम का बात किया हमारा कि कोरोजन को रेजिस्ट करता है, इंक्रीज द हार्डनेबिलिटी, वो भी एक इंक्रीज करता है, प्रोवाइड द स्ट्रेंथ, आपका क्रोम जितना बड़ा है ज़्यादा है उतना आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा, वो मैं आगे आएगा तो थोड़ा समझाएगा कि कैसे होता है। वियर एंड ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस इन एलिवेटेड टेम्परेचर, देखो कभी कभी क्या होता है, क्रोम को जनरली 500-800-1000 डिग्री टेम्परेचर पे हमको स्टेनलेस स्टील या डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील को हम जनरली यूज़ करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि हमें स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, हमें हार्डनेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, उस टाइम पे हम क्रोम ज़्यादा वाला यूज़ करते हैं, और उसमें ऑक्सीडेशन है वो कम होता है उसी की वजह से, क्यों, क्योंकि क्रोम वहाँ पे ज़्यादा रहता है उसकी वजह। टिटेनियम है वो हमारा स्टेबिलाइजर है, रिड्यूस द मैग्नेटाइज मर्टेंसिटी का हार्डनेस एंड हार्डनेबिलिटी ऑफ द मीडियम क्रोमियम स्टील, ठीक है। सल्फर, मोलिब्डेनियम वो अलग अलग है, वेनेडियम सब चीज़ अलग अलग है, टंगस्टन वो, लेकिन इसमें ज़्यादा हम पढ़ते हैं। ओके, अभी यहाँ पे आप एक ग्राफ देख रहे हैं, कार्बन स्टील, कार्बन स्टील के बाद थोड़ा नीचे जैसे जाते जाते वैसे क्रोम बढ़ता जाता है, देख रहे हैं, क्रोम बढ़ता जाता है, इसमें वन था, इसमें यहाँ पे टू एंड वन एंड हाफ, वन एंड फोर्थ हो गया, यहाँ मैंगनीज एंड मोली हो गया, वो सब चीज़ बढ़ता जाता है, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर भी यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं, यहाँ पे 500 टेम्परेचर, मतलब क्रोम आपका बढ़ेगा, वैसे आप वो मटेरियल को मैक्सिमम टेम्परेचर पे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ एंड एलोंगेशन का एक सब चीज़ दिखाया है, 7018-6013, ये सब चीज़ मैं कहाँ से लिया, देखो 516 ग्रेड 70 है तो मैं यहाँ से लिया, ठीक है, ये सेक्शन 2C से। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा इसका E7018, तो वो चीज़ मैं लिया है सेक्शन 2C SFA 5.1 से,
अलग अलग कॉर्ड में ये सब चीज दिखाया गया है, तो अलग अलग कॉर्ड से हम लेते हैं। तो इसमें अभी हमारा स्टार्ट होता है जीटीएडब्ल्यू, गैस शील्डेड टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, जीटीएडब्ल्यू में क्या होता है, यहाँ पे एक आर्गन अलग से होता है, यहाँ पे एक मशीन होता है। यस सर, हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? नानावटी सर, थैंक यू वेरी मच। देखो अभी कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ऐसा क्यों बात कर रहा है, हम लोग तो स्टूडेंट है यार, हम लोग कॉलेज में अभी फाइनल ईयर में है, तो ये सब चीज में इंडस्ट्री में एक्चुअली आपको कितना ध्यान देना है, इसी की वजह से इतना मैं डेप्थ में ये क्रोम के वजह से जा रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, आप जब प्री हीटिंग करते हैं ना, कोई मेटल को प्री हीटिंग करने का जरूरत रहता है, उस टाइम पे आपका ग्लेयर जो आता है उसमें काला काला धुआं रहता है, वो आपके मेटल में चिपक जाता है, तो वो भी अच्छा नहीं है। आप पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करते हैं तब आपका फ्लेम जो है वो डायरेक्ट मेटल के ऊपर टच होता है और हीटिंग होता रहता है, उस टाइम पे वो मेटल हार्ड हो जाता है। तो हार्ड होने की वजह से क्या होता है, एक्चुअली में ऑन इंडस्ट्री के कॉन्सेंट्रेशन लेके बात कर रहा हूँ, इसके लिए आपको थोड़ा वो वैसा लगेगा कि यार हमको ऐसा नहीं, हमको थोड़ा ब्रीफली चाहिए। देखो ब्रीफली हम लोग ऑलरेडी ASME लेक्चर करके यूट्यूब में है, ऑलरेडी हमने पूरा लाइन बाय लाइन सेशन किया है, लेकिन मैं आज जो करवा रहा हूँ एक बेसिक करवा रहा हूँ कि आपको इतना बेसिक पता होगा तब जाके कोई आप एग्जाम दे सकते हैं। आप इंडस्ट्री में खाली कॉलेज पास होकर सीधा आप इंडस्ट्री में आ जाएंगे एंड तो आप ऐसा नहीं होगा, आपको NDT लेवल 2 करना पड़ेगा, या फिर आपको क्वालिटी फील्ड में है तो CCIP 3.1 करना पड़ेगा, आपको API 570 करना पड़ेगा, API 510 करना पड़ेगा। आप पेंटिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको BGS करना पड़ेगा, आपको NES लेवल 1 या NES लेवल 2 करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ आपको जब डेप्थ में आप घुसेंगे, एक में स्पेशलाइजेशन हो गए, तभी आपको अच्छा सा सैलरी मिलेगा। आप सीधा कॉलेज पास हो गए और आप क्वालिटी फील्ड में आना चाहते हैं विदाउट कोई स्पेशलाइजेशन सीधा आ जाएंगे तो आपका ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ किसका होगा, जो लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं उसका, वरना आप 5 साल तक ऐसे ही 15,000 में या 20,000 में या फिर 10,000 में आप घिसवाते रहिए, आप काम करते रहेंगे, समझ रहे हैं ना सर। आपको एकदम कोई एक फील्ड पकड़ के एकदम डेप्थ में घुसना पड़ेगा। आप जब डेप्थ में घुसेंगे तभी आपका वैल्यू होगा, तभी आपको गल्फ कंट्री में 1 लाख से 2 लाख से ज़्यादा सैलरी मिलेगा। इसके लिए मैं एक बेसिक करवा रहा हूँ कि बेसिक आप ये सब चीज़ पता है तो ये सब चीज़ आपको जब आप एग्जाम देंगे तब भी आपको इम्पोर्टेंट बन जाएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हमारा कॉर्ड ही है, आपको कॉर्ड अगर कर लिया तो आप किंग बन गए, लेकिन आपको कॉर्ड नहीं पता है, आपको ASME नहीं पता है, आपको IBR नहीं पता है, आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड नहीं पता है, आपको जापानी स्टैंडर्ड नहीं पता है, तब आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास बेसिक नॉलेज है फिर भी आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। गैस शील्डेड टंगस्टन आर्क वेल्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बेस्ट वेल्डिंग आज तक मैं बोलता हूं तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि GTAW है, क्योंकि क्वालिटी सबसे ज्यादा शानदार एंड 5 स्टार मिलेगा हमारा GTAW प्रोसेस में। GTAW कहाँ पे यूज होता है तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज थोड़ा बात कर लेते हैं। हाई क्वालिटी वेल्ड इन ऑल मेटल एंड अलॉय, देखो हाई क्वालिटी एकदम शानदार क्वालिटी, आपका टंग्स वहाँ पे घिस लो कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर ठंडा होने के बाद है, गरम गरम है और टंग वहाँ पे घिसाने गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं जो जोक कर रहा हूँ तो आप ध्यान रखिए ऐसा नहीं करना है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है एकदम 5 स्टार क्वालिटी, आप जब आंखों से देखेंगे वो वेल्डिंग तब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, आपको अच्छा फीलिंग होगा, वैसा क्वालिटी मिलेगा आपको GTAW में। वेरी लिटल क्लीनिंग, आपको क्लीनिंग करने का मोस्टली जरूरत नहीं है, नो स्पैटर, कोई भी स्पैटर नहीं आएगा, कैन बी यूज्ड इन एनी पोजिशन, नो ऑन स्मॉल डायर ट्यूब एंड ETC। सबसे ज्यादा फायदा ये तीसरा पॉइंट है, हम कोई भी पोजिशन में उसको यूज कर सकते हैं, और स्मॉल डाया में सबसे ज्यादा जो मैं 95% SMAW बोला उसमें से 4% है वो GTAW का आता है, 1% में बाकी सब लोग आते हैं SAW, FCAW, GMAW, वो सब चीज 1% पे आते हैं, ठीक है, बाकी 4% उसके बाद में यूज होता है तो GTAW का। जितने भी स्मॉल डाया है उसमें सबसे ज्यादा GTAW होता है यूज।
देखो आपको कैसे पता चलेगा भाई स्लॉन स्मॉल डाया में मुझे आर्क मानना है या GTAW मानना है या SMAW मानना है। तो देखो आपका जब PO साइन होता है, कोई इंडस्ट्री आपको कंपनी को आपके ऑर्गेनाइजेशन को जॉब बनाने के लिए ऑर्डर देती है। ऑर्डर कैसे मिलता है? सबसे ज़्यादा एक पैनल कमेटी बैठती है, पैनल कमेटी में डिसाइड होता है कि भाई हमें ऐसा वेसल चाहिए या हमें ऐसा पाइप चाहिए या हमें वैसा पाइपिंग चाहिए या फिर हमें ऐसा पावर प्लांट बना के देना है आपको कि ये हमारा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वो कोर कमेटी में कौन कौन लोग बैठे होंगे? क्वालिटी मैनेजर, सभी लोगों के मैनेजर, क्वालिटी हेड, प्रोडक्शन हेड, कंपनी का मालिक, सामने की कंपनी का मालिक, जिसको चाहिए ऑनर है, वो सब लोग मिनी टॉप मीटिंग बोलेंगे। वो मिनी टॉप मीटिंग में बैठेंगे, उस टाइम पे कॉस्ट और क्वालिटी सब चीज़ वहाँ पे डिसाइड होगा, वहाँ पे स्पेसिफिकेशन बनेगा, वहाँ पे स्पेसिफिकेशन साइन होगा एक दूसरे के फेस टू फेस सामने बैठ के कि हाँ सर हम लोग इतना क्वालिटी देंगे। तो वो लोगों का एक्चुअली देखो सामने वाला अगर एजुकेटेड है, जन देखो 1000 लाख और करोड़ों लोग प्रोजेक्ट हमको दे रहे हैं, तो वो लोग एक्चुअली वो पढ़े लिखे ही होंगे। ऐसा कोई अनपढ़ गवार तो है नहीं कि चलो आपको दे दिया, आप मुझे प्रोजेक्ट बना दो, मैं आपको 1 लाख दे देता, सॉरी 1 करोड़ या 2 करोड़ दे देता हूँ या फिर 50 करोड़ दे देता हूँ, ऐसा तो नहीं है। आपको स्पेसिफिकेशन से चलना पड़ेगा, आपका स्पेसिफिकेशन क्या बोलता है उसके हिसाब से आपको काम करना है। कोई भी क्वालिटी इंजीनियर जब इंडस्ट्री में पैर रखता है तब सबसे पहले आपको इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान देखना है, उसके बाद आपको स्पेसिफिकेशन देखना है कि आपका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है। ITB में ऐसा नहीं लिखा होगा कि भाई आपका 2 इंच बिलो डाया में आपको GTAW मारो, ITB में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन स्पेसिफिक में आपको ऐसा लिखा होगा कि भाई 2 इंच बिलो ओनली GTAW कैन यू यूज। तो जनरली क्या होता है, लोग इंडस्ट्री में लिख देते हैं स्पेसिफिकेशन में कि 2 इंच से बिलो का पाइप है तो उसमें आपको वेल्डिंग मारना है, तो उसमें आपको आर्क नहीं मारना है, आपको ओनली GTAW यूज करना है, वैसा जनरली लोग लिख देते हैं। ओके, दूसरी बात, कुछ कुछ क्लाइंट है, कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन में ऐसे भी मेरे साथ गुजरे हुए हैं गल्फ कंट्री में कि भले ही वो कितना भी डाया हो लेकिन रूट एंड हॉट आपको आर्क सॉरी GTAW से ही मारना है, आपके पास कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप भले ही 60 इंच का डाया है, भले ही आपका प्रेशर वेसल है, लॉन्ग सिम है, सक्सिम है, लेकिन आप रूट एंड हॉट पास आपको ओनली GTAW अप्लाई करना है। तो इसी की वजह से GTAW का इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है। GTAW हाई क्वालिटी है, उसका क्लीनिंग एक्शन बहुत अच्छा है, नॉच बेटर है, उसमें कोई स्मॉल डाया में ज़्यादातर यूज होता है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ थर्ड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ओके, नो स्लेग एंट्रैपमेंट, यहाँ पे कोई स्लेग जनरेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऊपर में फ्लक्स नहीं है, समझ रहे हैं ना सर आप। यहाँ पे अगर फ्लक्स नहीं है तब आपको स्लेग कोई जनरेट होने का कोई चांस ही नहीं है। लिमिटेशन इसका क्या है कि उसका प्रोडक्शन लो है, वहाँ वो थोड़ा उसका लिमिटेशन है GTAW का कि भाई आप जनरली GTAW में प्रोडक्शन आपका कम आएगा। ओके, दूसरी बात, हायर इनिशियल कॉस्ट, आपका कॉस्ट सबसे ज़्यादा रहता है, GTAW सबसे ज़्यादा कॉस्टली रहता है, उसका फिलर सबसे ज़्यादा कॉस्टली रहता है। तो आपको GTAW यूज़ करने के टाइम पे फिलर को प्रॉपर तरीके से स्टोरेज करना ज़रूरी है, फिलर को प्रॉपर तरीके से आपको कंट्रोल करना ज़रूरी है। ओके, कार्बन स्टील सॉलिड इलेक्ट्रोड, ईश्वर सर प्लीज़ आप म्यूट कर दीजिए, ईश्वर सर मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप म्यूट कर दीजिए। ओके, कार्बन स्टील में जनरली क्या होता है, ER70S2, ठीक है, उसमें जो स्मॉल डाया है उसमें जनरली हम यूज करते हैं। तो ER का मतलब हो गया इलेक्ट्रोड या रोड, 70,000 pounds per square inch उसका स्ट्रेंथ या 70 उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ KSI में, KSI मतलब अमेरिकन यूनिट है, PSI मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच है वो ब्रिटेन यूनिट है, S जो है वो सॉलिड है और 2 जो है वो केमिकल पोजिशन केमिकल कंपोजिशन है। ओके, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है खाली ट्यू 2 है, यहाँ पे 2 ही हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, ऐसा करके देखो ये सब चीज कहाँ लिखा है, ASME सेक्शन 2C SFA 5.9, 5.28, 5.28, वो सब चीज में उसका पूरा केमिकल कंपोजिशन के साथ ये सब चीज लिखा है।
ओके तो ये सब चीज़ ऑलरेडी मैंने उसका सेशन लिया है, आप यूट्यूब में जाएंगे कि ASME लेक्चर करके आप सर्च मारेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे कि भाई कितने सारे ASME हमने लाइन बाय लाइन फिनिश किए। मैं यहाँ पे एक जस्ट पार्ट समझा रहा हूँ, एक छोटा सा, आप ऐसा समझ लिया 0.05% यहाँ पे समझा रहा हूँ, बाकी मुझे ER70S2 का मैं 2 आवर्स का लेक्चर लिया है ऑलरेडी, खाली 2 आवर्स का। ई का मतलब, आर का मतलब, 70S2 और 2 का कहाँ पे यूज होगा, 6 का कहाँ यूज होगा, देखो 2 से 2 की जगह 6 है तो क्या होगा, आपका कार्बन एंड मोली जो है उसमें ज़्यादा होगा। 2 से 3 में जाएंगे, 3 से 4 में जाएंगे, 4 में 5 में, 5 में से 6 में, ऐसे आप नीचे जाते जाएंगे वैसे कार्बन बढ़ता जाएगा, मैंगनीज बढ़ता जाएगा, आपका हार्डनेस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। जहाँ पे हार्डनेस का ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बोलता हूँ कि वेसल का इंटरनल, एक मिनट हाँ, ओके वेसल का इंटरनल लोग मारते हैं, वहाँ पे कभी कभी ER70S6 यूज होता है, वेसल का आउटर मारते हैं उसमें कभी कभी 70S2 यूज होता है। ओके ये हो गया अलॉय स्टील का, अलॉय स्टील का 80S D2 D3 D4 B1 B2 B3 B4 ऐसा करके अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये जो लास्ट नंबर है वो केमिकल कंपोजिशन का है। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग सबसे ज़्यादा ये 2 प्रोसेस के बाद यूज होता है, तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। देखो मेरे पास टाइम नहीं है इसके लिए मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, ये होपर है, होपर में क्या होता है, आप फ्लक्स डालेंगे तो फ्लक्स ऑटोमेटिकली ऊपर होता रहेगा, ऊपर से नीचे जाता रहेगा, अगर फ्लक्स नहीं डाला है तो क्या होगा। एक बार क्या था, मैं एक बड़ोड़ा इंडस्ट्री सावली, बड़ोड़ा में सावली GIDC है, मंजू सर GIDC, वहाँ पे एक हेल्पर, देखो यहाँ पे एक वेल्डर अकेला ये सब चीज़ नहीं कर सकता है, यहाँ पे वेल्डर यहाँ पे वेल्डिंग मारता है उस टाइम पे उसको हेल्पर भी देना कंपलसरी है। अगर आप हेल्पर देंगे तो क्या होगा, वो फ्लक्स लाएगा, यहाँ पे फ्लक्स खत्म हो गया है तो फ्लक्स ऊपर से डालता रहेगा, नीचे का फ्लक्स वो अपने हिसाब से वो कलेक्ट करता रहेगा, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, जब मैं फ्रेशर था, मैं आज से 8 से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं फ्रेशर था उस टाइम पे क्या, बातें करने की बहुत हमको आदत रहती है, सब लोगों को मिलने की, इंडस्ट्री में हम नया पैर रखते हैं तो हमको ऐसा लगता है चलो यार ये कैसे वेल्डिंग मारता है। तो एक बार क्या हुआ, मैं वेल्डर के साथ, सॉरी हेल्पर के साथ बात करने लगा, तो मुझे पता नहीं है कि कितना सीरियस है एक्चुअली। देखो आपको एटीट्यूड भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए इंडस्ट्री में आप जब जाते हैं तब। मैं उसके साथ बात करने लगा, यहाँ पे फ्लक्स खत्म हो गया, अंदर पे जो फ्लक्स होता है वो खत्म हो गया, वेल्डिंग तो कंटिन्यूअस है, वो तो ऑटोमेटेड सिस्टम है, वेल्डिंग तो कोई रुकेगा नहीं, तो उसकी वजह से पूरा प्लेट जो है वो वेल्डिंग विदाउट फ्लक्स हुआ, फिर वेल्डिंग मशीन को तुरंत बंद करना पड़ा और वेल्डर जो है वो बहुत गुस्सा हुआ। तो मैं उस टाइम पे ब्लंडर मेरा मिस्टेक था एक्चुअली, मेरा ही प्रॉब्लम था, लेकिन ये सब चीज़ आपको एक स्मॉल स्मॉल मिस्टेक, आपको वहाँ पे जाके सीधा आप बातें करने लगेंगे और लंबे लंबे तक टाइम तक खींचेंगे ऐसा नहीं करना है। वो लोग काम करने आए हैं, उसको अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, आपको ऑब्जर्वेशन करना है, कुछ डाउट है तो पूरा पूछ के जल्दी से निकल जाओ वहाँ से। आप आधा आधा घंटे तक बात करते रहेंगे तो आपका वेल्डिंग के ऊपर इफेक्ट आएगा, और वो वेल्डिंग क्लीन करने में उसको 1 डेज लग गया। आप सोचो 8 आवर्स उसको ये वेल्डिंग क्लियर करने में लग गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, फ्लक्स नहीं है तब आप वेल्डिंग नहीं मार सकते, स्लेग उड़ेगा, बहुत सारा मसला होगा। अगर फ्लक्स है तब वो वेल्ड मेटल का जो यहाँ पे आर्क जनरेट हुआ है उसको दबा देगा और आर्क अंदर ही अंदर फ्लो होता रहेगा और हमारा प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग आएगा। ओके एडवांटेज क्या है, हाई क्वालिटी है उसका, एकदम स्मूथ क्वालिटी GTAW का है वैसा ही, इसमें भी स्पैटर नहीं आएगा। डिपोजिशन रेट इसका ज़्यादा है, GTAW में डिपोजिशन रेट कम था लेकिन इसमें डिपोजिशन रेट ज़्यादा है। स्मूथ यूनिफॉर्म फिनिश्ड वेल्ड विथ नो स्पैटर, आपको स्पैटर नहीं आएगा, स्मोक नहीं आएगा, नो आर्क फ्लश, आर्क फ्लश भी नहीं आएगा, हाई यूटिलाइज्ड ऑफ वायर। देखो यहाँ पे अगर आप वायर की बात करें तो ये पूरा स्पूल है तो स्पूल पूरा का पूरा यूज हो जाएगा, आपको कोई वेस्ट नहीं जाएगा। लेकिन SMAW में क्या है, SMAW में इलेक्ट्रोड हम 350 mm का है तब हम पीछे का 30 mm 50 mm या 40 mm छोड़ देते हैं, वेल्डर छोड़ देते, तो वो तो वेस्ट गया ना, यहाँ पे कोई वेस्ट नहीं जाएगा, यहाँ पे तो पूरा का पूरा स्पूल यूज हो जाएगा, ठीक है ना। इसी की वजह से यहाँ पे पूरा का पूरा यूज होता है। लिमिटेशन इसका क्या है, क्यों सभी पोजिशन में नहीं मार सकते हैं,
मैंने खाली 1G पोजीशन एंड कुछ लिमिटेड 2G पोजीशन में ही SMAW को वेल्डिंग मारते हुए इंस्पेक्शन किया है। आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि भाई 3G पोजीशन में SAW को वेल्डिंग मारा हो या 4G पोजीशन में SAW को वेल्डिंग मारा हो, ऐसा नहीं है। ओनली 1G पोजीशन में ज़्यादातर आप यूज़ कर सकते हैं और वो भी कुछ लिमिट को कंट्रोल करते हुए 2G पोजीशन को, ठीक है। मटेरियल टाइप एंड कैन बी यूज, मटेरियल हर मटेरियल में आप यूज़ नहीं कर सकते, हाई इनिशियल कॉस्ट है उसका। कार्बन स्टील फायर वायर प्लग जो है उसका क्लासिफिकेशन कैसा होता है? F7 है वो फ्लग से, वो जो 7 है 70,000 PSI उसका वो है, टेंसर स्ट्रेंथ है। P2 है उसका पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट है। देखो पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट कितने होते हैं? देर आर 7 टाइप्स ऑफ पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, 7 टाइप्स ऑफ, वो पूरा इसके पीछे है, मैं समझाएगा। हार्डनिंग, मर टेम्परिंग, वॉश टेम्परिंग, एनिलिन, उसके बाद नॉर्मलाइजिंग और एनिलिन, उसके बाद दो और बचा ना, पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट मतलब स्ट्रेस रिलीविंग। तो ये 7 टाइप्स के हीट ट्रीटमेंट है, उसके बारे में ऑलरेडी मैं एक मिनट दिखा देता हूँ, तब आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। देखो तो ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है वो अलग अलग है, क्विंचिंग है, टेम्परिंग है, उसका अलग अलग टेम्परेचर रहता है, किस में नॉर्मलाइजिंग है, नॉर्मलाइजिंग के बाद हमारा एनिलिन है, एनिलिन 1050 डिग्री तक जाता है, 1050 डिग्री से 1011 डिग्री तक जाता है, उसके बाद हम वापस उसको क्विंचिंग करते हैं तो क्विंचिंग होता है, उसके बाद ये एनिलिन खाली जस्ट है, पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट है। ये सब चीज़ जब आएगा तो मैं समझाएगा, लेकिन ये जस्ट मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये केमिकल कंपोजिशन इसका रहता है फिलर का, इसका ऐसा दिखाया गया है। उसके बाद हमारा GMAW, FCAW, W दो है, लेकिन अभी FCAW का थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। चलो देखो, जापानीज इंडस्ट्रीज है, जापानीज इंडस्ट्री उसके साथ MHIMA में आनंद कंपनी में काम किया, तो FCAW सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ यूज होता है वो उस टाइम पे मुझे आइडिया आया। देखो प्रेशर वेसल का जब इंटरनल रहता है, इंटरनल प्रेशर वेसल का इंटरनल मारते हैं, हमें ज़्यादा क्वालिटी वाला प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्टिविटी हमको हाई चाहिए, तब हम FCAW का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम जो ओवरहेड क्रेन रहता है, जो लोग जामनगर इंडस्ट्री में गए हैं, जामनगर पोर्ट में गए हैं, जो लोग पिपावाव पोर्ट पे गए हैं, जो लोग राजूला जहाँ पे है वहाँ पे जो पोर्ट है पिपावाव वहाँ पे गए हैं, जो लोग मुंद्रा पोर्ट में गए हैं, वो लोगों को ज़्यादा आइडिया होगा कि सबसे ज़्यादा पोर्ट में शिप इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे FCAW ज़्यादा यूज़ होता है। प्रेशर वेसल का इंटरनल है, वहाँ पे FCAW ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद ओवरहेड क्रेन है, UOT क्रेन आपने देखा होगा, जब आप पॉट में जाएंगे ना तो आपने देखा होगा ऊपर से बहुत बड़ा बड़ा क्रेन रहता है, वो एक जगह से उठा के दूसरी जगह लोड को ट्रांसफर करता है, तो वैसी जगह पे भी सबसे ज्यादा FCAW यूज होता है। तो ई है और इलेक्ट्रोड टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका 70 है, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसका। KSI टी जो है वो ट्यूब्यूलर है, ट्यूब्यूलर का मतलब क्या कि इलेक्ट्रोड, देखो SMAW में क्या था, ऊपर में फ्लक्स था, एक इलेक्ट्रोड था सॉलिड बार, उसके ऊपर में SMAW का फ्लक्स था, लेकिन हमारा जनरली ये FCAW में ऐसा नहीं है। FCAW में बाहर बाहर पे ऊपर कोर वायर रहेगा, उसके अंदर पे थोड़ा बर रहेगा, होल रहेगा, उसके अंदर में वो फ्लक्स बैठा रहेगा, मतलब फ्लक्स अंदर है, उसके ऊपर में सॉलिड वायर है, समझ रहे हैं ना सर आप? तो वैसे आपको FCAW में मिलेंगे जनरली ज्यादा ऐसा होता है, ठीक है। गैस मेटल वेल्डिंग, फ्लश बट वेल्डिंग, ओके। कार्बन इक्विवेलेंट, देखो कार्बन इक्विवेलेंट के बारे में मैं SME B31.3 का पार्ट टू जो फेब्रिकेशन असेंबली एंड इरेक्शन में 2 आवर्स का खाली लेक्चर लिया है, खाली कार्बन इक्विवेलेंट कैसे कंट्रोल करते हैं उसके ऊपर। लेकिन मैं यहाँ पे जनरली आपको बोल देता हूँ, कार्बन इक्विवेलेंट अगर प्लेन स्टील है तो उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं। कार्बन इक्विवेलेंट पहले तो कैलकुलेट ही क्यों करते हैं, वैसे ही हमको कार्बन इक्विवेलेंट का जरूरत ही क्या है, यहाँ से ही हमको क्वेश्चन आता है। तो देखो पहले क्या था,
आज से 30 साल 20 साल के पहले हम लोग जनरली थिकनेस के हिसाब से हम प्री हीटिंग करते थे, थिकनेस के हिसाब से पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करते थे, लेकिन अभी मॉडर्न इंडस्ट्री में इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ इनोवेशन ऐसे हुए हैं, इसमें कार्बन इक्विवेलेंट का वैल्यू आया और कार्बन इक्विवेलेंट की वैल्यू के बाद उसके हिसाब से वो कितना आता है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि कितना प्री हीटिंग करना है, कितना पोस्ट हीटिंग करना है, कितना पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करना है कि नहीं करना है, सब चीज़ उसी के हिसाब से डिसाइड होता है। इंटरपास कितना कर रखना है वो सब चीज कार्बन इक्विवेलेंट वैल्यू के ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, कार्बन इक्विवेलेंट वैल्यू इज इक्वल टू कार्बन प्लस मैंगनीज प्लस सिलिकॉन बाय 4 वो प्लेन कार्बन। अलॉय स्टील के लिए कार्बन इक्विवेलेंट इतना लंबा छोड़ा दिया गया है वैसे, और लो अलॉय स्टील के लिए नीचे दिया गया है ऐसा। आप देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, कार्बन इक्विवेलेंट वैल्यू बढ़ता है तो आपका हार्डनेस बढ़ता है, जितना कार्बन इक्विवेलेंट वैल्यू कम उतना अच्छा। लेकिन कार्बन इक्विवेलेंट वैल्यू देखो, कार्बन एक्चुअली अकेला ही एक तलवार जैसा है, देख रहे अकेला खुद गब्बर है। यहाँ पे कार्बन जो है वो जितना होगा उतना ही सी वैल्यू में प्लस होगा, बाकी सब में डिवाइडेशन होते हैं, मैंगनीज प्लस सिलिकॉन डिवाइड बाय 4, यहाँ पे मैंगनीज डिवाइड बाय 4, निकल डिवाइड बाय 15, मोलिब डिवाइड बाय 4, तो जितना होता है उसमें डिवाइड होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो गब्बर है कार्बन है जो हमको प्रॉब्लमेटिक है, वो अकेला खाली कार्बन इक्विवेलेंट वैल्यू के इक्विवेलेंट है। आप देख रहे हैं कार्बन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस बाकी का सब डिवाइडेशन है। तो कार्बन को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो सब चीज हम कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन कार्बन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम लोगों को मेटल में कोई भी प्रॉपर्टी लाना चाहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होगा। प्री हीटिंग क्या है? जनरली वेल्ड मेटल को प्री हीटिंग इसके लिए करते हैं ताकि हमारा वेल्ड मेटल हार्डनेस साइड ना हो जाए, वेल्ड मेटल प्रॉपर तरीके से जो उसका टेम्परेचर है प्रॉपर तरीके से यूनिफॉर्मली डिवाइड करे, यूनिफॉर्मली सब में सर्कुलेट करे। उसी की वजह से अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि 50 mm थिकनेस का एक कार्बन स्टील का प्लेट है उसमें आप धड़ाक से SMAW वेल्डिंग स्टार्ट करके वेल्डिंग मारना लगेंगे तो क्या होगा? SMAW का 6000 टेम्परेचर रहता है मेरे भाई जब वेल्डिंग स्टार्ट होता है तब। अब अगर 6000 टेम्परेचर वो सीधा वेल्ड मेटल 50 mm थिकनेस था वो एटमोस्फेरिक टेम्परेचर पे उसको सीधा 6000 टेम्परेचर मिल जाएगा तो उसका क्या होगा हाल? बहुत प्रॉब्लम होगा मेरे भाई उसके ऊपर, हार्डनेस उसका इतना हीट इफेक्टेड जो इतना बढ़ जाएगा कि आपका मेटल क्रैक भी हो सकता है थोड़े टाइम के बाद। तो उसी की वजह से अगर हम प्री हीटिंग पहले कर देंगे तो 6000, अगर प्री हीटिंग हमने 100 डिग्री किया समझो तो 100 डिग्री क्या करेगा, खाली 100 डिग्री इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 100 डिग्री करेंगे तो पूरा जितना अगल बगल का मेटल है वो पूरा प्रॉपर तरीके से हीटिंग करेगा, प्रॉपर तरीके से यूनिफॉर्मली वो टेम्परेचर को डिवाइड करेगा। फिर हम आर्क मारेंगे तो थोड़ा जो हमारा 50 mm का वेल्ड मेटल था उसको 6000 का झटका कम लगेगा। पहले स्टार्टिंग से ही सीधा धड़ाक से हम 6000 टेम्परेचर पे वेल्डिंग मारना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत बड़ा इफेक्ट होगा मेटल के ऊपर, तो वो इफेक्ट को हम रिमूव करने के लिए जनरली प्री हीटिंग करते हैं। तो प्री हीटिंग विल रिड्यूस द टेम्परेचर डिफरेंट एंड रिड्यूस द टेम्परेचर डिफरेंट द प्रॉब्लम ऑफ द क्रैकिंग हार्डनेस स्ट्रेस ट्रेसिस प्रोड्यूस ना हो डिस्टोर्शन कैन मिनिमाइज, ये सब चीज करने कंट्रोल करने के लिए हम प्री हीटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ। इंटरपास टेम्परेचर, इंटरपास टेम्परेचर ड्यूरिंग वेल्डिंग हमारा टेम्परेचर कुछ टेम्परेचर से ज्यादा बढ़ जाता है, और रनिंग वेल्डिंग की बात है, वेल्डिंग मारने से पहले आपको प्री हीटिंग करना है, ड्यूरिंग वेल्डिंग आपको इंटरपास कंट्रोल करना है और पोस्ट हीटिंग करना है बाद में आफ्टर लास्ट में, ठीक है। तो इंटरपास क्या है? इंटरपास सब चीज का अलग अलग है, कार्बन स्टील का 315 रहता है जनरली, कोई कोई लोग 350 भी रखते हैं, टेम्परेचर 350 से ज्यादा जाएगा तब तक वो वेल्डर रुक जाता है। तो आपको ऐसा लगेगा, अभी तो मैं 6000 टेम्परेचर बोल रहा था कि 6000 जनरेट होता है तो आप ड्यूरिंग वेल्डिंग में तो टेम्परेचर बहुत, आप 350 तक कैसे ला सकते हैं, 6000 उस टाइम पे तो है। तो देखो क्या होता है, अगर GTAW आप वेल्डिंग मार रहे हैं समझो, तो GTAW से वेल्डिंग मार रहे हैं तो 4000 टेम्परेचर आपका टेम्परेचर वेल्ड मेटल के ऊपर जनरेट हुआ, फिर क्या होगा ऊपर से गैस आ रहा है, आप वेल्डिंग मारते जैसे ही आगे निकल रहे हैं उसके जस्ट पीछे जो गैस होता है वो उसको कूलिंग करता रहता है, तो वो जो कूलिंग है वो 350 से कम रहना चाहिए, उसका मतलब ये हुआ इंटरपास का, और आपको ओवर हीट हो जाता है तभी भी आपको वेल्डिंग स्टॉप करना है। उससे प्रॉब्लम क्या है, इंपैक्ट प्रॉपर्टी के ऊपर इफेक्ट आएगा आपका। इंपैक्ट प्रॉपर्टी क्या है, ऑलरेडी मैं एग्जांपल के साथ समझाया कि आपका मेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ एकदम शानदार है लेकिन
आपका इम्पैक्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर नहीं है, आपका फ्लूड जो है जब आप वो मटेरियल है वैसा आपने वेल्डिंग मारा है जिसमें इंटरपास 400 तक चला गया था, खली बली कौन देखने वाला है। वेल्डर ऐसा सोचता है कि भाई खली बली कौन देखने वाला है, मैं मार दो, मेरे को प्रोडक्शन चाहिए ना, मैं जल्दी जल्दी वेल्डिंग मार देता हूँ, एक घंटे में फिनिश कर देता हूँ और खत्म करके शांति से आराम से सोता हूँ, ऐसा सोचते हैं लोग इंडस्ट्री में, लिटरली लोग ऐसा सोचते हैं। उसी की वजह से ये कोड को इंटरपास और पोस्ट हीटिंग देना पड़ा, वरना कोड को कोई ऐसा अलग से कोई शौक नहीं है इंटरपास देने का। तो क्या होता है जब वेल्डर फास्ट वेल्डिंग मार के फिनिश करता है तो इंटरपास मेंटेन नहीं करता है, वो जब मेटल आपका प्रोसेस इंडस्ट्री में या फिर वो मेटल जहाँ पे लगना है वहाँ पे लगेगा, वहाँ पे फ्लूड पास होगा और फ्लूड का अगर टेम्परेचर लो रहता है तो थोड़ा मेटल का टेम्परेचर लो रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो मेटल क्रैक हो जाएगा, मेटल का दो पार्ट हो जाएंगे, मेटल टूट जाएगा। तो उसी की वजह से हमको इंटरपास कंट्रोल करना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है मेरे भाई। ओके, पोस्ट हीटिंग क्यों करते हैं? वेल्डिंग फिनिश होने के बाद कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रोड हमने बोला कि भाई इलेक्ट्रोड को हमको अच्छी तरीके से ओवन के अंदर रखना है, उसको एटमोस्फेरिक में नहीं रखना है, उसको प्रॉपर तरीके से बैकिंग करना है, लेकिन समझो ये सब चीज में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया। देखो मैन मशीन मटेरियल में मशीन से कोई मिस्टेक नहीं होगा, लेकिन कम से कम आदमी जो है मैन है वर्कर है उससे तो मिस्टेक होगा, उसने एटमोस्फेरिक में गलती से 10 मिनट रख दिया समझो, तो क्या होगा, हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रोड के ऊपर आएगा, हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रोड के ऊपर आएगा, जब आप वेल्डिंग मारेंगे तब वो हाइड्रोजन वेल्ड मेटल के अंदर डिपॉजिट होगा, तो वो वेल्ड मेटल जब तक गर्म है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे ही रुका रहेगा, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 300 डिग्री से नीचे आएगा, 6000 डिग्री था, 6000 से 1000 से 5000 से 3000 से फिर एटमोस्फेरिक पे तो आएगा ना वेल्डिंग, तो जब एटमोस्फेरिक से तक वेल्डिंग आएगा तब क्या होगा, वो हाइड्रोजन है वापस वाइब्रेट होना स्टार्ट होगा, वो एटमोस्फेरिक में वापस वाइब्रेट होगा तब वो वहां से किसी को चीरेगा, वहां पे सॉलिड हो चुका है वेल्ड मेटल, सॉलिड हो चुका है एकदम बॉन्डिंग बना चुका है, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन में इतनी ताकत है कि वो पूरा तोड़ डालेगा, वो बॉन्ड पूरा तोड़ के एटमोस्फेरिक में निकलेगा, तो जहां से वो तोड़ के निकलेगा उसके पीछे हाइड्रोजन क्रैक करता निकल जाएगा, तो वो जो हमको क्रैक रिमूव करने के लिए पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो फायदा ये है कि पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट में हाइड्रोजन इजीली स्कैप हो जाएगा ऑन बेस मेटल से, तो उसी की वजह से पोस्ट हीटिंग करते हैं। ओके, कोड में कहाँ दिया है भाई ये सब चीज, इंटरपास प्री हीटिंग पोस्ट वेल हीटिंग में, कोड का AWS 10.11 10.10 देखेंगे तब वहां पे ये सब चीज क्लियर एकदम बात किया गया शानदार तरीके से। ओके, आगे बढ़ते हैं। पोस्ट हीटिंग का खाली हाइड्रोजन रिमूव करना ही बात नहीं है, पोस्ट हीटिंग का ये भी काम है कि थोड़ा बहुत ट्रेस जनरेट हुआ है तो उसको भी वो रिमूव करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्री हीटिंग इंटरपास टेम्परेचर कितना रहता है वो सब चीज का एक मैं वो दिखाता हूं, अभी पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट में हम घुसेंगे, एक मिनट में ये थोड़ा बता देता हूँ आपको। एक्सेल शीट देखो, ये एक्सेल शीट मैंने बहुत साल पहले बनाया है, 2016 में बनाया है, तो इसमें क्लियर लिखा है किस में कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करना है, कौन सा वायर लेना है, कौन सा फिलर यूज करना है, सब चीज कितने टेम्परेचर में आपको प्री हीटिंग करना है, 25 डिग्री से कम, 25 थिकनेस से कम थिकनेस है तो आपको 10 डिग्री, 25 से 150 थिकनेस तक के बीच में आपका थिकनेस है तब आपको 100 सेल्सियस प्री हीटिंग करना है, और आपका 150 से ज़्यादा थिकनेस है तब आपको 150 डिग्री तक प्री हीटिंग करना है, आपका समझो 50 mm थिकनेस है तब आपको 100 सेल्सियस तक प्री हीटिंग करना है। देखो इसके बाद बहुत सारा इनोवेशन हुआ और ये 4 साल में 5 साल में बहुत सारा चेंज हो चुका है, तो इसमें कुछ चेंज हुआ है, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं कि यही विशाल ने बोला था या आशीष पटेल ने ऐसा बोले थे कि ये तो ऐसा करना है, प्री हीटिंग ऐसा करना है, इंटरपास हमको 250 मेंटेन करना है, ऐसा नहीं है, कुछ कोड में 315 भी लिखा है तो आपको 315 एक्सेप्ट करना है, कुछ स्पेसिफिकेशन में 375 लिखा है तो आप 375 कर सकते हैं, ठीक है, इंटरपास कितना रखना है वो भी मेंटेन किया है, पोस्ट हीटिंग कितना करना है वो भी सब यहाँ पे लिखा है, ये पूरा कार्बन स्टील अलॉय स्टील और स्टेनलेस स्टील और सब चीज का लिखा गया है, ये जिसको चाहिए मैं गल्फ एनडीटी को दे, हमारे पास है और आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट, कितने टाइप के पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट, पर लेकिन जनरली हम लोग दो ही टाइप का जनरली
इंडस्ट्री में यूज करते हैं वो स्ट्रेस रिलीविंग और नॉर्मलाइजिंग, फेब्रिकेशन इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेनलेस स्टील की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टेनलेस स्टील में जनरली क्या होता है, एनिलिन भी होता है, मर टेम्परिंग भी होता है, उसके बाद उसमें टेम्परिंग भी होता है, ठीक है, तो अलग अलग होता है। मैं यहाँ पे कार्बन स्टील, अलॉय स्टील और स्टेनलेस स्टील का थोड़ा बहुत बात कर लेता हूँ। ट्रेस रिलीविंग एंड नॉर्मलाइजिंग, ट्रेस रिलीविंग क्यों करते हैं, द रेसिड्यूल, हाँ, ट्रेस रिलीविंग डन बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर रीजन आर। ओके, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, अबव क्रिटिकल टेम्परेचर क्या, बहुत सारे लोग बोलते हैं अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, बिलो एंड अपर, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, बिलो लिमिट, ये सब क्या है। तो ये मटेरियल साइंस मेटलर्जी का एक पार्ट है। मैं आपको जस्ट एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। 723 आप याद रखिए, 723 सेल्सियस के ऊपर अगर टेम्परेचर है तो अबव टेम्परेचर लिमिट हो गया, वो अबव क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया, अबव क्रिटिकल टेम्परेचर वो सब चीज हो गया, जैसे कि 900 टेम्परेचर, तो वो अबव लिमिट हो गया, क्योंकि 723 से अबव जो टेम्परेचर जो हमको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करना है उसको अबव क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। 723 से बिलो टेम्परेचर में हम पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करना है तो उसको बिलो टेम्परेचर, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर लिमिट बोलते हैं। तो यहाँ पे नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसा मत कंफ्यूज हो जाए कि आप बिलो टेम्परेचर, आप 723 एक नंबर याद रखना है एज पर मटेरियल साइंस मेटलर्जी। कुछ लोग 725 भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आप 723 या 725 कोई भी एक वर्ड याद रखिए, उससे ऊपर का टेम्परेचर वो अबो हो गया, उसके नीचे का वो बिलो हो गया। उसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाया है 1 आवर्स का, और ASME लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप देखेंगे तो समझ में आएगा। ओके, रिड्यूस द रेसिड्यूल ट्रेस इनहेरेंट वेल्डिंग। देखो मैं आपको, ट्रेस रिड्यूस होता है, मैं एक कंपनी में नाम तो मैं नहीं देना चाहता है, या हजीरा में एक कंपनी है, वहाँ पे मैं एक इंडस्ट्री में प्रेशर वेसल का डिसेंड और शेल को फिटअप किया। उस टाइम पे मैं एज अ इंस्पेक्टर, एज अ TPI इंस्पेक्शन करने गया, वो लोग कैसा फिटअप कर रहे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओवालिटी दोनों में बहुत सारी है, एकदम मार तोड़ के हैमरिंग इफेक्ट लगा के जोर से जहां से तहां से वो जुगाड़ करके वैसे करके जबरदस्ती शेल और डिसेंड का फिटअप कर रहे हैं, ठीक है, चाबी लगा के, आप जैकिंग स्क्रू लगा के, सब साम दाम दंड भेद कैसे भी करके उसने जबरदस्ती फिटअप किया डिसेंड टू शेल का प्रेशर वेसल में। तो क्या होता है, वो जो ज्वाइंट है वो ट्रेस में आता है। जब आप वेल्डिंग मार देंगे, रूट मार देंगे, कैपिंग फाइनल फुल फिलअप कर देंगे, फिलअप सब चीज क्लियर हो जाएगा, तब क्या होगा, जब हम सीजल से सीजल निकालेंगे या फिर हम जैकिंग जो मारा है वो सब चीज निकालेंगे, तो वेल्ड जो है हमारा वो तो वैसा रहेगा, लेकिन हमारा जो बेस मेटल था, हमारा पैरेंट मेटल था, वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आने का ट्राई करेगा, तो ओरिजिनल पोजीशन में वो आ नहीं सकेगा, क्योंकि उसको तो वेल्ड मेटल प्रॉब्लम करेगा, वहां पे पहले वेल्डिंग नहीं था, इसके लिए इजीली अप एंड डाउन हो सकता था, लेकिन अभी यहाँ पे वेल्डिंग लग गया है। अगर ट्रेस ज्यादा है तब तो वो वेल्डिंग को भी तोड़ देगा, अगर ट्रेस थोड़ा कम है तो वेल्डिंग थोड़ा उसको कंट्रोल कर लेगा, तो अंदर ट्रेस जनरेट हुआ। अगर अंदर पे वो प्रेशर वेसल हमने हीट पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट किए बिना ही प्लांट पे भेज दिया, प्लांट में इरेक्शन हो गया, वहां पे अंदर से फ्लूइड आना स्टार्ट हो गया, वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो क्या होगा, वो जो जॉइंट था उसमें पहले से ही ट्रेस था, वो आपने रिमूव नहीं किया, उसकी वजह से वहां पे फ्लूइड आएगा, फ्लूइड थोड़ा गर्म होगा, गर्म होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, हमारा वेल्ड मेटल है उसको थोड़ा इफेक्ट करेगा, वेल्ड मेटल थोड़ा गर्म होगा, वेल्ड मेटल गर्म होने के बाद यहाँ से वो चीज ब्लास्ट होगा, वो वेल्डिंग ब्लास्ट हो जाएगा, वहां पे ट्रेस की वजह से, रेसिड्यू ट्रेस की वजह से ब्लास्ट हो जाएगा। तो वो सब चीज ना हो, हमारा ब्लास्ट ना हो, लोगों को इफेक्ट ना आए, उसके लिए पहले से ही हम उसका ट्रेस रिलीविंग कर देते हैं, पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट कर देते हैं। पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट में क्या होगा, वेल्ड मेटल भी गर्म होगा, हमारा जॉइंट भी गर्म होगा, डिसेंट भी पूरा का पूरा गर्म होगा, पूरा फर्नेस के अंदर हम घुसा देंगे, पूरा गर्म होगा, और जो गर्म होने के बाद वो अपना जो जैसा पोजिशन है वैसे ही पोजिशन में एकदम स्थिर बन जाएगा वेल्डिंग, तो वहां पे कोई फिर ट्रेस नहीं रहेगा। आप पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करेंगे उसके बाद में कोई ट्रेस नहीं रहेगा। अगर पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट किए बिना ही आपने जॉब को भेज दिया तो दहेज में ब्लास्ट हुआ है आपको पता ही है, अमोनिया ब्लास्ट हुआ है एक कंट्री में आपको पता ही है, तो ये सब चीज होता है।
तो आप लोगों को एकदम देखो पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट आप इंस्पेक्शन करने गए और आपने खाली चार्ट रिव्यू कर लिया, स्टैम्प मार दिया और साइन कर दिया, आपको कुछ पता नहीं है, तो ये गलत बात है। आपको एकदम डेप्थ नॉलेज होना चाहिए पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट के बारे में। ओके, पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट कौन से कोड में दिया गया है? तो कंस्ट्रक्शन कोड में जनरली पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट दिया जाता रहे, जैसे कि अगर ये प्रेशर वेसल बना रहे तो एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 में दिया गया है। कहां पे? यूसीएस 56 में। अगर सेक्शन 1 के हिसाब से बना रहे तो यूडब्ल्यू 53 में दिया गया। तो ये सब चीज अलग अलग जगह पे दिया गया है। ऑलरेडी हमारा फुल लेंथ में ये सब चीज का लेक्चर अभी मैंने लिया, वैसे ही लेक्चर एएसएमई के लिए है, तो वैसे आप देखेंगे वहां पे जाके एएसएमई लेक्चर में, तब आपको ज्यादा आइडिया आएगा पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट के बारे में। तो पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए क्या क्या चीज करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मेरे पास एक दो कंपनी है, उसमें क्या होगा, मुझे पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करना है, मैं बाहर की कंपनी से बोलेगा कि भाई आप हीट ट्रीटमेंट करने के लिए आ जाओ, वो लोगों को हमको एक जॉइंट का 3000, एक जॉइंट का 5000 देना रहता है। पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट हमारा वो जॉइंट का एसआर करके देगा, स्ट्रेस रिलीविंग करके देगा, ठीक है। वो कंपनी क्या करता है, उसको तो जॉइंट वाइज पैसा मिल रहा है, एक जॉइंट का 5000 मिल रहा है, वो आएगा थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश पेपर लगा देगा मेटल के अंदर। नाइट में ये सब चीज होता है, नाइट में तो कोई इंस्पेक्टर प्रेजेंट होता नहीं है, तो ब्लैक ब्लैक लगा देगा, फिर बोलेगा 10 से 15 जॉइंट में लगा देगा और बोलेगा सर मैंने पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट 6 जॉइंट का या 8 से 10 जॉइंट का कर दिया, तो आप बिल में साइन कर दो। हम लोग बिल में साइन करेंगे, लेकिन ओरिजिनल ऑन जॉब में पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं है। वहां पे तो थोड़ा टेम्परेचर चढ़ा के डाउन कर दिया है और क्लियर कर दिया है पैसा कमाने के चक्कर में। तो इंडिया में ये सब चीज होता है, मैं देखा है बहुत सारी कंपनी में ये सब चीज पकड़ा है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, मेरा कहने का मतलब ये है कि पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट आप चेक करने जाते हैं तो एज पर कोड आपको करना है। कोड क्या है मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ। देखो ऐसा आपको पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट होना चाहिए, आपका यहाँ पे एटमोस्फेरिक टेम्परेचर है, फिर आप चढ़ाते हैं टेम्परेचर तो अनरिस्ट्रिक्टेड हीटिंग टेम्परेचर 425 तक जाएंगे आप। अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब आप 10 मिनट में भी, आप देखो एटमोस्फेरिक टेम्परेचर 37 डिग्री है, एग्जाम्पल के तौर पर समझो 37 डिग्री आपका एटमोस्फेरिक टेम्परेचर है और आप जनरली उसको हीटिंग करेंगे, आपको जनरली आपको बोला गया है कि 595 तक आपको प्री हीट आपको शॉकिंग करना है, उतना आपको बोला गया है, ठीक है। आप क्या करेंगे, एटमोस्फेरिक को सबसे पहले इंक्रीज करते करते, टेम्परेचर इंक्रीज करते कॉइल बांधेंगे, कॉइल बांधने के बाद उसको हीटिंग करते करते आप 595 तक जाएंगे, फिर उसको कुछ देर तक होल्ड करेंगे, फिर आप कुछ उसको डाउन करेंगे, वैसा पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट ऐसा सिंपल होता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारा डेप्थ है, घुसा हुआ है। आप ऐसा ही समझ लो खाली ये ग्राफ देख लिया हमने क्लियर कर दिया, ऐसा नहीं। 425 तक आप एक घंटे के अंदर चढ़ाएंगे, 10 मिनट के अंदर चढ़ाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो अनरिस्ट्रिक्टेड हीटिंग है। कोड में ऐसा वर्ड बाय वर्ड लिखा है, अनरिस्ट्रिक्टेड हीटिंग है 425। उसके बाद आपको टेम्परेचर चढ़ाना है, 425 के बाद आपको जाना है टेम्परेचर 595 तक, तब आप सीधा 595 एक घंटे में चढ़ा देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको 222 सेल्सियस पर आवर्स डिवाइड बाय इंच, आपका 50 एमएम का थिकनेस है तो 2 इंच हुआ, तब आपको 222 डिवाइड बाय 2 करना है, तो एक घंटे में आपको 111 टेम्परेचर ही चढ़ाना है। फिर दूसरा घंटा होगा, फिर आपको 111, फिर दूसरा, फिर आपको 111, फिर दूसरा, फिर 111, ऐसा करके आपको टेम्परेचर लेके जाना है 595। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एटमोस्फेरिक का चलो 37 डिग्री है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे मेरे मशीन में बटन को एकदम हाई टेम्परेचर पे रख देता हूँ 595, सीधा 10 मिनट या 15 मिनट में हमारा जॉब हीटिंग, खलास पैसा मिल गया 5000, स्टैंप लगा दिया, पैसा लेके सीधा घर पे, ऐसा नहीं। आपको 37 डिग्री से 425 तक आप 10 मिनट में जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके बाद आपको कंट्रोल हीटिंग में जाना है, इसके बाद शॉकिंग करना है एज पर कोड। अब 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स आपके थिकनेस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, आपको कितना करना है वो। उसके बाद आपको टेम्परेचर गिराना है, वो टेम्परेचर भी सीधा 200 सीधा 425 तक लेके आ जाएंगे, ऐसा नहीं। आपको 280 डिवाइड बाई इंच, इतना टेम्परेचर, अगर आपका 4 इंच का जॉइंट है, ठीक है, मतलब 100 mm का थिकनेस का आपका जॉइंट है, तो 280 डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। एक मिनट में जस्ट कर लेता हूँ, 280 डिवाइड बाई 4 तो इस इज इक्वल टू 70। तो आपको एक घंटे में 70 सेल्सियस कम करना है, फिर एक घंटे में 70, फिर एक घंटे में 70, फिर एक घंटे में 70, ऐसा करके आपको 425 तक आना है। इसके बाद
इसके बाद फिर आपको आप एटमॉस्फेरिक में छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा करना चाहिए। लेकिन इंडिया में क्या होता है, धड़ाक से टेम्परेचर चढ़ा दिया, होल्डिंग भी प्रॉपर तरीके से नहीं किया, चार्ट में अपने पेंसिल से चार्ट बना दिया और तुरंत टेम्परेचर गिरा दिया, पैसा मिल गया, घर। 10 जॉइंट का एक नाइट में, 5 जॉइंट का कैपेसिटी रहता है, वहां पे 100-100 जॉइंट लोग कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई, आप लोगों को ये सब चीज इंप्रूव करना है। ओके, ये हो गया स्ट्रेस रिलीविंग। नॉर्मलाइजिंग का जनरली 900 डिग्री रहता है, तो उसका भी हम जनरली बात करेंगे आगे। हम लोग थोड़ा टाइम थोड़ा कम है, इसके लिए मैं जल्दी जल्दी एनडीटी का बात कर लेता हूँ। देखो जनरली अगर आपको, देखो समझाने के लिए मैं सब चीज समझा सकता हूँ कि डिपोजिशन कितना हुआ, ये कितना हुआ, वो कितना हुआ, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, डिजाइन फील्ड में भी मैं जा सकता हूँ, गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस भी समझा सकता हूँ, लेकिन देखो इतना टाइम नहीं है, हमको एकदम डेप्थ में समझना है, तो अलग से आप हम लोग सेशन करेंगे एक गल्फ एनडीटी के साथ मिलके, और ये नानावटी सर जो है उसके साथ मिलके हम अलग से सेशन करेंगे। लेकिन कॉमन एनडीटी मेथड है, उसके बारे में जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। कॉमन एनडीटी मेथड कहाँ दिया है, ASME सेक्शन 5 आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 आर्टिकल 4 आर्टिकल 5 आर्टिकल 6 आर्टिकल 7 आर्टिकल 8 और आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10। यहां पे पूरा लाइन बाय लाइन, और पूरा लाइन बाय लाइन भी हमने एक एक पॉइंट लिक्विड